हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गुड एडवाइज़र। आज मैं आपको हेल्थ टिप्स पे एडवाइज करूँगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो आप जैसी मैं एडवाइज करता हूँ उतनी अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हो जाएंगे। भगवान ने जो आपको रूप रंग दिया है उस पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। सभी एक से नहीं होते, आप जैसे हैं वैसे बिल्कुल ओके हैं, सबसे अच्छे हैं। पर्सनालिटी डेवलप करने के फ़ायदे ये होते हैं कि आप कहीं भी बाहर अपने रिश्तेदारों के पास, ऑफिस वगैरह में कहीं भी जाते हैं तो आप सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी इम्प्रेस करती है। आदमी आपको उतना इम्पोर्टेंस देता है जैसा आप दिखते हैं। कहते हैं कि शरीर को आप चाहे जैसा बना सकते हैं, बॉडी इज ए ऑटोमेटिक डॉक्टर, पर ये डॉक्टर तभी काम करता है जब इसका आप ख्याल रखते हैं। आप जैसे भी हैं बाकी इसको बॉडी को वेल मेंटेन करके रखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो भविष्य में आपके बच्चे भी आपके तरह एविचल हो जाएंगे और उनको आपको कहना नहीं पड़ेगा। आज के टाइम पे अपने बॉडी को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि डेली बीमारियाँ आ रही हैं, छोटी मोटी बीमारी आपके पास ही नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपकी एज कम लगेगी, सभी चाहते हैं कि मेरी एज कम दिखे, मेरी वेल पर्सनैलिटी रहे, और इसके लिए आपको पार्क वगैरह में रोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी के लिए ये पार्क और रोड अवेलेबल नहीं होता है। आप इंडोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप इंडोर कैसे करें और टाइमली आप कितना टाइम दें एक्सरसाइज। करीब एक घंटा ज़रूर करें, एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो धीरे धीरे शुरुआत करें और एक एक्सरसाइज को करीब 2-3 बार रिपीट ज़रूर करें। सबसे पहले आप नित्य क्रम से उठकर अपनी ड्रेस चूज करें, वेल ड्रेस पहने, फ्लेक्सिबल पहने, थोड़ी लूज पहने और स्पोर्ट शूज़ ज़रूर पहने ताकि आप जब भी जंप करें तो आपकी बॉडी में सस्पेंशन बना रहे, आपको डायरेक्ट हिट ना लगे। जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें अपनी कैलोरी बहुत फास्ट बर्न होती है, तो उसके रिकवरी के लिए भी बताऊंगा आपको क्या खाना है। और ये सेल्स का डिवाइडेशन होता है, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो सेल्स का डिवाइडेशन होता है, उसके लिए भी आपको सफिशेंट डाइट लेने की ज़रूरत होती है। प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप प्रोटीन मार्केट से भी ले सकते हैं जो बढ़िया क्वालिटी का होता है, उसी दिन यूज करें जिस दिन आप एक्सरसाइज करें, और नेचुरल तरीके से भी ले सकते हैं जैसे कि आप चने भिगो दें, मूंग भिगो दें, सोयाबीन जो आती है मार्केट में वो भिगो दें, दूध लें, अंडा लें, फल वगैरह थोड़ा ज़रूर खाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप शुरुआत कैसे करें। और स्ट्रेचेबल ज़रूरी है, अगर स्ट्रेच नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स में पेन हो जाएगा, मसल्स फट सकती हैं, इसलिए सबसे पहले स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद वार्म अप करें, उसके बाद ही थोड़ी हैवी एक्सरसाइज शुरू करें। दो तीन मिनट तक रिपीट करें, उसके बाद थोड़ी तेज रनिंग करें, उसके बाद धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट करें। और इस रनिंग को करीब 10 या 15 मिनट करें। और आपके पास अगर स्पेस कम है तो आप ये एक्सरसाइज करके भी आप रनिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे 5 मिनट अगर आप कर लेते हैं तो कम से कम 20 मिनट रनिंग का बेनिफिट आपको होगा। रनिंग के बाद आप ये पिन लगाएं, नज़र सामने रखें, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, बीच में गैप 0.5 से 1 फुट। 10-15 टाइम करें।
7 kg इधर है, 7 kg इधर है। रिपीट करें। एक बार आप ऊपर की बॉडी की एक्सरसाइज करें, फिर एक बार लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करें। अगर बीच में 1-2 मिनट आपको रिलैक्स करना है तो वॉकिंग शुरू कर दें। उसके बाद ये टेबल जो देख रहे हैं आप, ये मैंने घर पे बनाई है। इसकी लेंथ 4 फीट है, हाइट 1.25 फीट है और ये वाइड 9 इंच है। ये आप किसी से भी बना सकते हैं, कोई भी वेल्डिंग वाला बना देगा। उसके बाद इस पर अपना कैसी दरी वगैरह डाल के आप इस पर लेट कर सकते हैं, नीचे चद्दर बिछा कर भी कर सकते हैं, पैरों की करें। इससे आपके पेट की चर्बी और ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मात्रे चढ़े करीब 10 या 15 टाइम। एक दो बार नीचे जम करके भी आ सकते हैं, जैसे कि ये देखो आप, मैंने बीम के लिए ये घर पे ही अंदर ये कुंदा दिलवा दिया था और ये मैंने लकड़ी लगाई है। इसकी मोटाई 1.25 इंच रखें और अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लें कि पैर थोड़े से ऊपर रहे जमीन पर। ठीक है, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। जब आप नीचे आए तो बिल्कुल बॉडी को लूज ना करें, हाथों में थोड़ी सी पावर बना के रखें, तभी आप ज़्यादा कर पाएंगे। जैसे कि क्यों नहीं, यूँ छोड़ दिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे। ऐसे आपकी अच्छी नई इसके लिए उन्होंने जानी चाहिए। जितनी आप कर सकते हैं करें, घर में लगा लें या किसी कोई पेड़ है तो पेड़ पर लगा लें। बारी आती है जिम ऑप्टिकल की वेट लिफ्टिंग। वेट जितना दोस्तों आप अफोर्ड कर सके उतना ही डालें, स्टार्टिंग करें 10-15 दिन में धीरे धीरे बढ़ाएं, नहीं तो आपके लिगामेंट टूट जाएंगे और आपको 2-3-4 महीने रेस्ट भी करना पड़ सकता है, इंजरी भी हो सकती है। तो आप जितना अफोर्ड कर सके उतना करें। अगर ये चेस्ट के बीच में आपको गैप करना है तो डिस्टेंस 1/2 फुट रखें दोनों हाथों के बीच में, वरना करीब 1 फुट डिस्टेंस रखें और बराबर वेट दें दोनों हाथों पे।
12 से 15 टाइम करें और 3 स्टेप मारें, बीच में और एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद फिर करें। ये पेट की एक्सरसाइज करें जिससे आपके पेट के अंदर की जो भी ऑर्गन है उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। एयर को खींचें स्पीड से और जल्दी जल्दी बाहर छोड़ें, 50-60-70 बार कर सकते हैं। इसके भी 3 स्टेप करें, कंटिन्यू नहीं, बीच में दूसरे एक्सरसाइज कर लें फिर ये करें। देखो ये पोजीशन लेकर आप मुंह बंद कर लें और ये कैसे करें, पेट पेट बाहर अंदर बाहर जाना चाहिए। एक्सरसाइज करें जिससे आपकी ये कमर की शेप बनी रहेगी, जिससे करीब 100 टाइम करें, एक बार करें बस, 125 टाइम करता हूँ। अब ये कंधे आपके मसल्स कैसे ग्रो हो उसके लिए बताता हूँ कि आप इसी वेट से कैसे करें। लेकर बिल्कुल नज़र सामने रखें, पीछे की साइड ले जाएं, ऐसे पैर मिलाकर रखें, थोड़ा सा गैप रखें पैरों में, इस एक्सरसाइज से आपकी जो पीछे की मसल्स हैं कमर की सारी मजबूत हो जाएंगी, आपके कमर दर्द नहीं होगा और आपके हाथों में ताकत रहेगी, आपकी वर्कआउट क्षमता बढ़ेगी। इस एक्सरसाइज बताता हूँ, ये आपको चेहरे पे शाइनिंग के लिए, निखार के लिए, आप जोर से सांस अंदर खींचें, दोनों हाथों से नाक बंद करके पूरे प्रेशर से मुंह में हवा भर लें और धीरे धीरे छोड़ेंगे, 4 से 5 टाइम करें कम से कम। गर्दन की एक्सरसाइज बताता हूँ, धीरे धीरे रोलिंग करें, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बड़ी आसानी से 10-20 टाइम ऊपर नीचे, यूं लेफ्ट देखें, राइट देखें, और जो माइंड के अंदर जो माइंड के जो पार्ट्स होते हैं कई भाग में वो इस तरह रहते हैं, उनकी एक्सरसाइज बहुत कम हो पाती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा हल्के झटके से ऐसे 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 करें जिससे उनकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी, जिससे आपका माइंड ना बहुत हेल्थी रहेगा। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बताता हूँ एक्सरसाइज, एक एज के हिसाब से हमारी आंखों की नज़र कमज़ोर इसलिए हो जाती है कि हमारी मसल्स कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं, अगर मसल्स की हम रूटीन में एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ऐसा बहुत लेट होगा, तो उसके लिए बताता हूँ लोगों को कम से कम दोस्तों 5 से 10 मिनट ज़रूर करें, लेफ्ट राइट देखें, ऊपर नीचे देखें, ऐसे कोने में देखें, रोलिंग करें, आँखों को बिल्कुल स्थिर रहें, चेहरा ना घुमाएं, सिर्फ आँखों की पुतली घुमाएं। इससे आप देखोगे 15-20 दिन में खुद ही महसूस करोगे कि कितने मेरी नज़र कितनी डेवलप हुई है। आप इस वर्कआउट के दौरान बीच में पानी पी सकते हैं, सिर्फ आधा गिलास, इसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स करें 5-10 मिनट, उसके बाद जो भी आपने डाइट चार्ट बना रखा है
जैसा कि मैंने बताया अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आप वैसे डाइट लें और हेल्थी रहें। हेल्थी बॉडी मेक ए हेल्थी माइंड। नमस्ते।